प्रिय छात्रों, मैं आशुतोष शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैक मेनिया पर। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अपने चैनल पर कुछ टॉपिक्स जैसे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के, तो मैंने ये आपको अभी तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना, विद न्यूमेरिकल, विद थ्योरी, सब कुछ विद प्रूविंग्स, एवरीथिंग। अब आज से देखिए हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सिंपल मशीन्स यानी सरल मशीनें। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कई छात्रों से जानकारी मिली है कि उनको न्यूमेरिकल समझने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो देखिए, न्यूमेरिकल समझना कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं बेटा। आपको मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल आप एक बार नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता, तिबारा देखिए, फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप उस न्यूमेरिकल को पॉज कीजिए और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जहाँ पर भी आपको दिक्कत है उसको अंडरलाइन करके मुझे भेज दीजिए। मैं तुरंत आपको कॉल पर, फ़ोन के माध्यम से या अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको वो समझा दूँगा, ठीक है ना। बहरहाल बेटा, आज हमारा जो ये नया चैप्टर है सिंपल मशीन सरल मशीनें, उसका पहला पार्ट ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 है उसका पहला पार्ट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये नया चैप्टर, सरल मशीन यानी सिंपल मशीन्स का पहला पार्ट। पहले देखिए मशीन्स होती क्या है, मशीन्स, ठीक है ना। देखिए लिखा भी है कि ए मशीन इज अ डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क इजिली इन शॉर्ट टाइम एंड इट कन्वर्ट्स द अवेलेबल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू डू यूजफुल मैकेनिकल वर्क इजिली। देखिए सिंपल से अगर हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँ मैं, तो मशीन क्या होती है, आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, उसमें उसने बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। बट हमारे आजकल के जो वातावरण है, जो सिस्टम चल रहा है, उसमें बेटा किताबी नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसमें भी जो उसने समझाने का प्रयास किया है कि मशीन वह एक डिवाइस है, बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, जो क्या करती है, किसी भी यूजफुल यानी उपयोगी कार्य को करने का प्रयास करती है, वो भी कम से कम समय में। यही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। क्या है मशीन, मशीन एक साधारण डिवाइस है जो क्या करती है, किसी भी उपयोगी कार्य को बहुत ही कम से कम समय में करने का प्रयास करती है। और दूसरा काम क्या करती है, यह जो भी अवेलेबल एनर्जी है यानी वर्क है या कुछ भी है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी तो एक पार्ट ऑफ एनर्जी हुई ना, तो जो भी अवेलेबल एनर्जी है उस समय उसको क्या करती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर दें, तो आपका जो इंजन होता है, आईसी इंजन आप सबने पढ़ रखा है, वो भी देखिए एक प्रकार की मशीन है, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, उसमें क्या है कि देखिए फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है, आप सब जानते होंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखा है। और पिस्टन जब अपने TDC यानी टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो उसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कंप्रेशन हाई होने पे बेटा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और उस समय हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं फ्यूल एंड एयर के मिक्सचर को, फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर उस हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है, और बर्न होने के बाद उस पिस्टन को क्या करता है बेटा, थ्रस्ट लगाता है, धक्का देता है। और आपने जैसा अगर कभी चित्र पढ़ा हो पिस्टन का, तो उसकी जो पिस्टन होती है, पिस्टन रॉड से क्रैंक कनेक्ट होता है और क्रैंक के थ्रू फ्लाई व्हील कनेक्ट होती है, तो देखिए वो फ्लाई व्हील घूमने लगती है, ठीक है ना। फ्लाई व्हील से हम क्या करते हैं, पट्टा चढ़ाते हैं और उससे मैकेनिकल वर्क ले लेते हैं। देखिए आप जैसे देखते होगे ये आटा पीसने वाली मशीन, उस पर पट्टे के माध्यम से ना इंजन चल रहा होता है, और पट्टा बांधते हैं और उससे हम जो है यूजफुल वर्क ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हुआ कि आप देख रहे हो केमिकल एनर्जी थी हमारे पास क्या था, फ्यूल और एयर का मिक्सचर था जो कि केमिकल एनर्जी है, और उस केमिकल एनर्जी को हमने प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, मैकेनिकल वर्क में। तो सिंपल सी बात, मशीन क्या है, मशीन वह डिवाइस है, एक सरल से सरल डिवाइस है, जो कि एक उपयोगी कार्य को बहुत ही कम समय में कर सकती है। और यह मशीन क्या करती है, उस समय जो हमारे पास यूजफुल एनर्जी है
या अवेलेबल एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किस लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, उपयोगी मैकेनिकल कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा ये इसमें लिखा भी हो, मैंने हिंदी में भी समझा दिया है, आप प्लीज़ उसको समझ लेंगे और लिख लेंगे। अब अगला टॉपिक क्या आता है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड मशीन्स। देखिए बहुत सरल सी भाषा में आपको समझाते हैं सिंपल मशीन क्या है और कंपाउंड मशीन क्या है। अरे भाई सिंपल मशीन वो है जो कि बहुत एक कंपोनेंट से, मतलब समझ लो कि उसमें ज़्यादा कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स ना हो, है ना। अब देखिए कंपोनेंट वगैरह ये सब बात भूल जाइए, सिंपल मशीन की मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर, पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, ए मशीन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड हैज़ ओनली वन पॉइंट फॉर एफर्ट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। देखो सिंपल मशीन भैया होती क्या है, बात समझ लो। इसमें लिखा है कि सिंपल मशीन वह मशीन है जिस पर केवल एक पॉइंट पर लोड लग सके और दूसरे पॉइंट पर हम उस लोड को उठाने के लिए एफर्ट यानी प्रयास कर सके, प्रयास बल लगा सके, ठीक है ना। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, आप देखते होंगे सीसॉ झूला, आपने देखा है झूला, देखा है ना, जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं और बीच में जॉइंट होता है, झूलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखिए अगर किसी एक यानी दूसरे एंड के बच्चे को हम लोड मान लें और एक एंड के बच्चे को हम प्रयास बल मान लें, तो देखिए एक पॉइंट पर लोड लगा हुआ है और दूसरे पॉइंट पर भैया हम एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट मीन्स प्रयास, किस लिए, उस लोड को उठाने के लिए, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो सिंपल मशीन सिंपल सी भाषा में, जैसे अब सरौता देखते हो, सरौता ना कई लोगों ने बता देखा होगा, सुपारी काटने वाला है, बीच में सुपारी रखते हैं, आगे की तरफ जॉइंट होता है और इस तरफ हम हाथ से दबाते हैं। तो देखो लोड एक ही पॉइंट पर रखा है बीच में, और प्रयास कहाँ लगाया गया है, हत्थे की तरफ जहाँ से हम दबाते हैं उस सुपारी को काटने के लिए, तो एक ही पॉइंट पर प्रयास लगाया गया ना, एफर्ट फोर्स है ना, तो से बहुत सिंपल मशीन है। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहें, बहुत साधारण भाषा में कहें कि सिंपल मशीन क्या होती है बेटा, वह मशीन जिसके केवल एक बिंदु पर एक पॉइंट पर हम लोड लगा सकें और दूसरे पॉइंट पर भैया उस लोड को उठाने के लिए हम प्रयास बल या एफर्ट फोर्स लगा सकें, तो वो क्या है भाई, सिंपल मशीन है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया, सीसॉ झूला हो गया, या आप सरौता देख लें, या कैंची ही देख लो। कैंची क्या है, एक तरफ एफर्ट लगा रहे हो बीच में जॉइंट है, दूसरी तरफ भैया कैंची से अगर काटोगे तो लोड ही उस पर कुछ काम करेगा, समझ रहा हो ना। तो एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, एक पॉइंट पर एफर्ट लग रहा है, तो बहुत सिंपल सी भाषा में। अब कंपाउंड मशीन क्या होती है, कह रहा है ए मशीन विच हैज़ मोर देन वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड हैज़ मोर देन वन पॉइंट फॉर एफर्ट इज कॉल्ड अ कंपाउंड मशीन। भाई अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन में भैया एक पॉइंट पर लोड लग रहा था और एक ही पॉइंट पर हम प्रयास लगा रहे थे, यानी एफर्ट फोर्स लगा रहे थे उस लोड को उठाने के लिए या ओवरकम करने के लिए, हैंडल करने के लिए। अब कंपाउंड मशीन में बेटा क्या हो जाएगा, कंपाउंड मशीन में आप बहुत हिंदी में बोले कंपाउंड मशीन को तो यौगिक मशीन, ठीक है ना, और सिंपल को साधारण मशीन, ठीक है ना। तो अब देखिए इस कंपाउंड मशीन का मतलब ही है भैया कि अब इसमें क्या होगा, एक से अधिक स्थानों पर लोड लग रहा होगा और एक से अधिक स्थानों पर प्रयास बल या एफर्ट फोर्स कार्य कर रहा होगा। किस लिए, उन जितने भी बल लग रहे थे दूसरे स्थान लोड लग रहा था उनको हैंडल करने के लिए, बात समझ में आई ना। आपने देखा होगा लेथ मशीन, अगर कभी आपने काम की हो तो लेथ मशीन पे क्या, देखिए लेथ मशीन पे भैया हम लोग नर्लिंग भी करते हैं, तो नर्लिंग के समय नर्लिंग ग्रूविंग भी करते हैं, ग्रूविंग भी एक चीज़ होती है। नर्लिंग मतलब देखिए पकड़ बनाने के लिए, ग्रूविंग मतलब बीच बीच में ग्रूव्स काटने के लिए, मतलब कि और एक हम लोग करते हैं उसमें प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, थ्रेडिंग भी है। तो अलग अलग जगह पे भैया हम एफर्ट लगा रहे हैं, अलग अलग जगह पे प्रयास बल लग रहा है, अलग अलग जगह पे लोड लग रहे हैं, तो इसलिए आपकी लेथ मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई और प्लेनर मशीन, ये आपकी कुछ कंपाउंड मशीन्स हैं। फिलहाल ये आप याद रखेंगे और आगे आपको अगर एग्ज़ाम में मिलता है तो लिखना बहुत आसान काम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले देखिए कह रहा है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लोड, व्हाट इज़ द लोड, ठीक है ना, लोड क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि एनी वेट विच इज लिफ्टेड बाय ए मशीन इज कॉल्ड लोड, इट इज जनरली डिनोटेड बाय द डब्ल्यू। अरे यार सिंपल सी भाषा में अगर बोले, सिंपल सी बात है, तो भार, लोड को हिंदी में कहते हैं भार। भार क्या है भाई,
कह रहा है कि वह कोई भी एक भार या कोई भी वेट जिसको हम मशीन की सहायता से उठाते हैं, वो जब वो क्या कहलाता है भैया, लोड कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कूड़ा गाड़ी उठाने और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है ना, उस पर देखो आगे की तरफ पूरा कूड़ा भरा होता है, तो उसको लोड उठाने के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर क्या है, बीच में एक लोड लगेगा, भार के लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, लोड। तो भैया लोड की परिभाषा कोई बहुत कठिन नहीं है, कह रहा है एनी वेट विच इज लिफ्टेड बाई मशीन, यानी कोई भी भार जो कि मशीन के द्वारा उठाया जाए उसको भैया हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं या लोड कहते हैं, और किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। इसका नेक्स्ट चलते हैं, एफर्ट। एफर्ट मीन्स हिंदी में हम कहते हैं प्रयास, प्रयास बल। देखिए किसी भी लोड को उठाने के लिए या कोई भी भार उठाया जा रहा है तो उसके लिए हमको कुछ तो बल लगाना पड़ेगा, कुछ तो प्रयास करने होंगे ना। तो जो उस भार को उठाने के लिए हम बेटा बल लगा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं उसको कहते हैं एफर्ट फोर्स या प्रयास बल। देखिए क्या लिख रहा है, इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू लिफ्ट द लोड डब्ल्यू, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल पी। देखिए लिखा भी है उसने कि यह ऐसा एक फोर्स है जो कि मशीन द्वारा रिक्वायर्ड है, मशीन को इसकी ज़रूरत है उस जो भी उसको वेट उठाना उसको उठाने के लिए। ठीक है ना, तो सिंपल सी भाषा में इसको बता दिया मैंने कि एक ऐसा बल जिसकी जो मशीन को जिसकी ज़रूरत होती है किस लिए, भार को उठाने के लिए। ठीक है ना, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द पी। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि यांत्रिक लाभ। ठीक है ना, हिंदी में बोले तो यांत्रिक लाभ। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड डब्ल्यू टू द एफर्ट अप्लाइड पी। क्या है, बात समझिए, सिंपल सी भाषा में कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ एक रेशियो होता है या अनुपात होता है किसका किसका भैया, एक तो जो भार हम उठा रहे थे डब्लू, और जो भी प्रयास बल मशीन के द्वारा या हमारे द्वारा लगाया गया उसका अनुपात है। देखिए क्या लिखा है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या है, लिफ्टेड यानी कि एम डॉट ए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है भाई, जो लोड यानी भार हम उठा रहे हैं मशीन के द्वारा और जो मशीन द्वारा एक एफर्ट फोर्स जो लगाया गया है, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है भैया, आपका मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ कहलाता है। बहुत सिंपल सी भाषा है, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भैया। अब वेलोसिटी रेशियो के विषय में आप समझें, एक मिनट। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर समझा दें तो कह रहा है कि वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट वाई टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड एक्स, इट इज ब्रीफली रिटन एज वेलोसिटी रेशियो यानी वी डॉट आर एंड हैज नो यूनिट। अब देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, ये तो इसके देखिए ये एक चित्र आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है ना, चित्र में ये देखिए ये एक छोटा सा ब्लॉक टाइप का है और हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े से ब्लॉक को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, या इतना तो आप समझ रहे होंगे इस चित्र में। अब देखिए यहाँ पे इस डंडे की मदद से हमने ये फोर्स एक तो यहाँ अप्लाई किया, एफर्ट फोर्स ही तो इसको कहेंगे ना, प्रयास बल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ एफ ही दिखाया फिगर में। और डंडे की मदद से यहाँ से ये इसका मेन ज्वाइंट है और इतनी दूरी हम इसको सरकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात समझिएगा, एफर्ट फोर्स के लिए अगर देखा जाए तो बेटा कितनी डिस्टेंस वो लगा रहा है एफर्ट के लिए, पूरे यहाँ ब्लॉक से लोगे ना, ब्लॉक से लेकर ये डिस्टेंस, यानी कि जहाँ से उसको वो बल मिल रहा है। तो देखिए इस पिंड की मदद से ही तो वो फोर्स लगा रहा है, अगर ये पिंड ना होता तो क्या इस ब्लॉक को उठाने का प्रयास कर पाते हम, ठीक है ना। तो इस ये जो बॉडी रखी है ना छोटी सी ब्लॉक, यहाँ से लेकर के हमारे एफर्ट फोर्स तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, यानी कि प्रयास बल की भुजा, बस इतना हिंदी में समझ लीजिए, प्रयास बल की भुजा वो इतनी है, इतना हमें प्रयास बल की भुजा यहाँ से मिल रही है। ठीक है, और दूसरा बात कह रहा है कि जो ये देखिए पहले तो ये ब्लॉक अगर हम देखें, ये जो ब्लॉक था पहले तो यहाँ तक पूरा धरा होगा ना, ऐसे पूरा रखा होगा, अब हमने इस डंडे को यहाँ पर फंसाया और अब इसको नीचे तरह जैसे जैसे धक्का दोगे ये लुढ़कने का आगे प्रयास करेगा कि नहीं ब्लॉक। तो ये समझिए कि जितना ज़्यादा ये इस पिंड से छोटे वाले बॉडी से दूर जाएगा, जितना भी ज़्यादा दूर जाएगा
ठीक है ना, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड या भार भुजा, समझ गए हिंदी में, भार भुजा, और उसको कहते हैं प्रयास भुजा। तो जितनी दूर ये डिस्प्लेस हो रहा है यानी बॉडी हट रही है इस जगह से, इससे इसके कंपेरिजन में, उसको हम कहते हैं भार भुजा या डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, यानी जो भार था कितनी दूरी तय कर गया, ठीक है ना। अब समझिए वेलोसिटी रेशियो क्या भैया, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो जो भी आपका वेग अनुपात या वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होता है, ये जनरली एक रेशियो होता है किसके किसके बीच में, प्रयास भुजा और भार भुजा के बीच का रेशियो होता है। यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, हिंदी वालों के लिए प्रयास भुजा और भार भुजा का रेशियो क्या कहलाता है भाई, वेग अनुपात या वेलोसिटी रेशियो। तो आप समझ गए होंगे फिगर से मैंने समझा दिया है, और ये इसका देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट वाई, यानी कि जो हमने प्रयास बल लगाया है उसकी डिस्टेंस और फलक्रम से, और क्या है भाई, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, यानी जो जिस लोड को हटाना चाह रहे थे उसकी फलक्रम से, मेनली फलक्रम हम इसी को मानते हैं ना, उसकी फलक्रम से दूरी, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे, वेलोसिटी रेशियो भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में इसको आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में बेटा कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल सी बात है कि नहीं है। क्या होता है एफिशिएंसी, देखिए लिखा है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ द मशीन, मतलब कि अब देखिए सिंपल सी भाषा में कहें तो आउटपुट क्या होता है कि हमने मनचाहा परिणाम जो प्राप्त किया, ठीक है ना, और इनपुट क्या होता है भैया, जो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमने भैया इनपुट दिया, ठीक है ना भाई, जो हमने परिणाम प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया वो इनपुट है, और जो हमको परिणाम प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट है। तो क्या होता है, यह एक अनुपात है किसके किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, अर्थात यह अनुपात है आउटपुट और इनपुट का, किसके, मशीन के आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है आपका, दक्षता, यानी हिंदी में इसको दक्षता कहते हैं एफिशिएंसी को। तो मशीन के द्वारा प्राप्त आउटपुट और मशीन के को दिए गए इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, मशीन की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है ना। तो इंग्लिश वालों के लिए भी सिंपल सी भाषा में, इट इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ ए मशीन, इट इज जनरली डिनोटेड बाय द ईटा, इसको बेटा ईटा कहते हैं, ईटा साइन, ठीक है ना, एंड जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, परसेंटेज में शो किया जाता है। अब देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए यांत्रिक दक्षता इसको कहते हैं, वो तो मशीन की दक्षता हो गई, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं यांत्रिक दक्षता हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी अभी आपने मैकेनिकल बेटा एडवांटेज पीछे पढ़ा, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था ना, डब्ल्यू अपॉन पी यानी लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है ना, अभी अभी पढ़ा। और वेलोसिटी रेशियो पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो क्या पढ़ा था भैया, वेलोसिटी रेशियो भी आपने पढ़ा था एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, या फिर इसको कहें हिंदी में तो आपने जो प्रयास भुजा बटे भार भुजा पढ़ा था ना। तो अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, इट इज़ डिनोटेड बाय द ईटा, ये भी ईटा से डिनोट किया जाता है। या आपको हिंदी में कहें यांत्रिक दक्षता क्या होती है, यांत्रिक दक्षता आपके वेग जो आपने अभी मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था ना, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात, सॉरी वेग वेलोसिटी जो रेशियो था ना, वेलोसिटी वेग अनुपात, उनके बीच का अनुपात होता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो इसका अगर देखिए ऊपर देखिए, यही हमने फार्मूला बताया था आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, और इसके लिए फार्मूला आ जाएगा ये देखिए, आपने पढ़ा ना, मैंने अभी बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है। देखिए ईटा इक्वल टू क्या होता है, एम ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, यही तो था परसेंटेज में शो करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कठिन डेफिनेशन तो नहीं है भाई, सिंपल सी भाषा में बता सकते हो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन, रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। चलिए अब चलते हैं
आइडियल मशीन और एक और मशीन आती है एक्चुअल मशीन। तो भाई देखिए, आइडियल मशीन पहले क्या होती है ये आप समझ लीजिए। आइडियल मशीन क्या होती है भैया? आइडियल देखिए, जिनको आइडियल का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, आप इतनी बात तो जान ही सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि ए मशीन विच हैज नो फ्रिक्शन एंड हैज द एफिशिएंसी 100%, सच ए मशीन इज कॉल्ड आइडियल मशीन और ए परफेक्ट मशीन। देखिए सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया कि ऐसी मशीन जिसमें कोई कमी ना हो, क्या ऐसी कोई मशीन बन सकती है जिसमें एफिशिएंसी 100% हो जाए और फ्रिक्शनल लॉसेस बिल्कुल जीरो हो जाए? नहीं होती है ना। तो ये जो मशीन है केवल थ्योरेटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो आइडियल मशीन क्या होती है भाई? आइडियल मशीन वो मशीन होती है कि जिसमें कोई भी घर्षण ना लगे, यानी कि फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो, और साथ में उसकी दक्षता 100% हो जाए या एफिशिएंसी 100% हो जाए, वो क्या कहलाती है भाई? आपकी आइडियल मशीन। और ऐसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज आपका किसके बराबर हो जाता है? वेलोसिटी रेशियो के। कैसे हो जाता है ये भी समझ लीजिए। अभी तक मैंने बताया था आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो बताया था ना। अब अगर भैया ये आपका 100% हो जाएगा, इंटू 100 ये फार्मूला होता था, 100% हो जाएगा तो ये 100 हो गया, तो ये 100/100, तो यानी इधर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, तो ये क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू वी आर नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो ऐसे केस में अगर आइडियल एफिशिएंसी है तो आपको ध्यान रखना है इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक्चुअल मशीन क्या होती है भाई? यानी कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, हमारे मतलब जो है एक्चुअल मशीन में होता क्या है कि एफिशिएंसी पहली बात तो 100% नहीं हो सकती है, किसी भी चीज़ की नहीं होती भाई। हम इंसान हैं, हमारी एफिशिएंसी बेटा कार्य करने की क्षमता 100% नहीं है, आप बात समझ सकते हो। और साथ में फ्रिक्शनल लॉसेस तो ज़रूर से ज़रूर होंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए लिखा भी है कि मशीन विच हैड सम फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन होगा, घर्षण तो होगा ही होगा, एंड डेफिनेटली ड्यू टू विच एक्चुअल मशीन हैज़ द एफिशिएंसी लेस देन द 100%, यानी कि एफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। देयरफॉर इन दिस मशीन आउटपुट इज लेस देन द इनपुट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जिस मशीन में कुछ ना तो कुछ फ्रिक्शन हो, तथा फ्रिक्शन होने के कारण उसकी एफिशिएंसी भी 100% ना हो या 100% से कम हो, तो वो क्या कहलाती भैया? एक्चुअल मशीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इन मशीनों में आउटपुट जो है इनपुट से लेस देन होता, क्यों होता? देखिए मान लीजिए एफिशिएंसी, मान लीजिए अगर 90% है, तो ये ईटा इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा था आउटपुट अपॉन इनपुट पढ़ा था ना, इनटू 100, ये पढ़ चुके। अगर एफिशिएंसी मान लीजिए 90% हो जाता है तो ये 0.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हो गया 100, तो यहाँ आ गया था, ठीक है। तो आउटपुट यानी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? इनपुट का 0.9। तो ये बताओ कि आउटपुट अपने आप कम हो गया कि नहीं इनपुट से? दिखने में आपको क्या लग रहा है, आउटपुट इनपुट से कम हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए तो फिलहाल हम अपना पहला पार्ट लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर बताएंगे मशीन के लॉज के बारे में, है ना। तो ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट टू में आपको बताएंगे। फिलहाल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, बट बहुत सिंपल है। अब आपको एक्चुअल मशीन, आइडियल मशीन, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या।